ध्यान से देखो इस चेहरे को। अभी सबकी सभी सारी स्टोरी समझाऊंगा इस चेहरे की। What's up guys, welcome back to the channel. आपका स्वागत है। मैं हिंदी और इंग्लिश अलग अलग क्यों बोलता हूँ? आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू दिस बॉक्स। इस बॉक्स को अच्छे से देखना, नाम वाम वगैरह, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है इस वीडियो में। आज के दिन में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाला हूँ, ये तो तब तक मानने नहीं लगी जब तक ये वाली केबल हटेगी नहीं ना यहाँ से और टूटेगी नहीं। Just look at this. टूटी हुई ही लगाए रखनी थी, फाइनली मेरे को ही लगानी पड़ेगी इसकी गाड़ी में केबल। अब फेंक दी मैंने। फाइन विद इट। मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा था, हुआ क्या, कनाडा में दो बहुत बड़े शॉपिंग के दिन होते हैं। एक तो होता है ब्लैक फ्राइडे, एक होता है बॉक्सिंग डे। ब्लैक फ्राइडे पे छोटा भाई आ गया, बोलता है यार चल शॉपिंग करने चलते हैं। सो मैं और मेरा भाई हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी डील्स में होती हैं, और कोई प्लान नहीं था ऐसे का चलो यार एक एक करके ना अलग अलग शॉप में जाएंगे। तो कैमरा शॉप में गए, क्या लगा भाई, उसके बाद बेस्ट बाय में गए। देयर वाज नो सच प्लान, तो भाई ने कुछ अपने लिए चीजें सिलेक्ट कर ली। तो अगर मुझे बता देता कि ब्लैक फ्राइडे पे ब्लैक मास्क पहना होता तो मैं भी ब्लैक ना पहन के आ जाता। ये तो के साथ में ये वाला ले ले, ये लिखा तो है प्लस कनेक्ट फ्री ब्रिज आता है। हाँ नहीं आता है, 179 का, पर ये वाला नहीं जिसके अंदर इनबिल्ट है। मैं देख रहा था, मेरे को एकदम याद आया कि हमारे घर में एक वेइंग स्केल था, वाईफाई स्केल है, कि उसमें कैसे कि आप खड़े हो जाओ उसके ऊपर और आपका जो वेट है वो वाईफाई के थ्रू अपलोड हो जाएगा और आपके फ़ोन की ऐप में अपने आप आ जाएगा। तो हिस्ट्री बनी रहती है, पता चलता रहता है कि यू नो आपका वेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। सो वो मेरे को दिख गई वहाँ पे, सेल पे थी वैसे, वो 130 के आसपास होती है, 90 समथिंग डॉलर की मिल रही थी। तो मैंने ये मशीन, विदिंग्स वाली मशीन उठा ली। इस वन बैग देने बंद कर दिए यार। और भाई तू लेने आया था, मैं तो कुछ लेने नहीं आया था, मैंने फिर भी ले लिया। तो हम लोग वो वेइंग स्केल लेके घर आ गए, घर आके उसको पूरी तरह से सेट कर दिया, वाईफाई पे कनेक्ट हो गया, अकाउंट पे कनेक्ट हो गया, उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं, आपका वजन बता रहा है, बॉडी फैट परसेंटेज बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग चले जाओगे, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊँ बड़ी से, मैं फिर अगले की आगे की स्टोरी भी करके, या मैं आ जाता हूँ, तुम लोग चले जाओ। और सुनो, ओके सो वो स्केल एग्जैक्टली एक महीना यूज करने के बाद वापस आ चुका हूँ बेस्ट बाय पे। I'm looking to get that smart scale fittings. I think this one. तो मैंने आपको बोला था वो डब्बा याद रखना है ना, सेम डब्बा। Are you ready to do the second unboxing? Yes. Bring that, वो वाला बॉक्स भी लेके आ। ध्यान से देखो इस चेहरे को। अभी सबकी सभी सारी स्टोरी समझाऊंगा इस चेहरे की। ये भी देख। अच्छा ये पुराने वाला बॉक्स है और ये नए वाला बॉक्स है, बड़े भारी है। ये भी भारी। ये क्या भारी? So, हुआ क्या? ये हमारे वॉशरूम का डोर है। हमने क्या किया
कि वॉशरूम के डोर के जस्ट सामने ये वेइंग मशीन रख दिया था कि सुबह सुबह आप नहा के निकलो, एक हैबिट बन गई है, आओ आते ही सबसे पहले अपना वजन करो, आपका वजन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ऐप में आपका आ जाएगा। बट हुआ क्या, बट ये वाली मशीन लेने से पहले हमारे पास एक और मशीन भी थी फ्रॉम ईटेक्सिटी, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कलर की है। देखो, दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस इज द न्यू वन, ओल्ड वन न्यू वन, ओल्ड वन न्यू वन, न्यू वन, दिस इज द न्यू वन एंड दिस इज द ओल्ड वन, आई मीन नो नो, दिस इज द न्यू वन एंड दिस इज द ओल्ड वन, नो दिस इज द, या दिस इज द एग्जैक्ट सेम कंफ्यूजन साक्षी हैड। मैं साक्षी को बोल गया, मैं कहा यार ये पुरानी वाली ख़राब हो चुकी है, चलती नहीं है, ऐसे ही नई वाली के साथ यहाँ पड़ी हुई है डोर के पास, एक काम कर पुराने वाली को थ्रो कर दियो। अपनी तरफ से उसने पुराने वाली थ्रो करी थी, लेकिन थ्रो नए वाली कर दी। ऐसा है, मैंने अपनी तरफ से पुराने वाली थ्रो करी थी, लेकिन हुआ क्या, गायब थी नए वाली, पुराने वाली पड़ी हुई थी उसके सामने, मैं खड़ा हुआ उसके ऊपर, मैं वजन नहीं आ रहा यार इसके ऊपर, फिर मैंने देखा, मैं कहा तो पुराने वाली पड़ी है, मैं कहा नए वाली कहाँ है, कहती नए वाली पड़ी है, पहले तो पुराने वाली थ्रो करी है। होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती।